नमस्कार इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा झा। तो लेटर बम कब तक? मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सुकेश ठग चंद्रशेखर ने मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक लेटर लिखा। पिछले 33 दिन में सुकेश का एलजी को ये चौथा लेटर है। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा कि मैंने एलजी के सामने जो मुद्दे उठाए हैं, अगर वो झूठे निकले तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं, लेकिन अगर आरोप सही साबित हुए तो क्या केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे या फिर राजनीति से संन्यास लेंगे। इससे पहले भी सुकेश दिल्ली के उपराज्यपाल को 3 लेटर लिख चुके हैं। पहली चिट्ठी में उसने आम आदमी पार्टी पर जेल में सुरक्षा देने के नाम पर 10 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया था। वहीं अन्य चिट्ठियों में भी उसने आप पर राज्यसभा सीट देने के बदले 50 करोड़ रुपए वसूलने और जेल में जान के खतरे की बात कह चुका है सुकेश चंद्रशेखर। वहीं इस बार फिर से उसने एलजी को पत्र लिखा है और इस बार उन्होंने सीधे केजरीवाल को चुनौती दी है और कहा है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, अगर वो झूठे साबित होते हैं जांच में तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन अगर वही आरोप सही साबित हुए तो क्या केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे या फिर वो राजनीति से संन्यास लेंगे। तो महाठग सुकेश ने एक बार फिर से नया लेटर बम फोड़ा है, नया खुलासा उन्होंने किया है। दिल्ली के एलजी को वीके सक्सेना को पत्र लिखा है सुकेश ने और फिर से केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उस बार उसने जांच का हवाला दिया है और कहा है कि उसने जितने भी आरोप आम आदमी पार्टी पर या अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं, अगर वो झूठे साबित होते हैं तो वो फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर वही आरोप सही साबित हुए तो क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे या फिर राजनीति से संन्यास लेंगे। तो दिल्ली में महाठग पर फिर से सियासत गरमाई हुई है और सुकेश चंद्र ने एक बार फिर से नया लेटर बम फोड़ दिया है अरविंद केजरीवाल के सर पर। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं, लेकिन फिलहाल तो जो सुकेश के आरोपों पर सियासत गरमाई हुई है। तो सुकेश ने, महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखा है और आरोप लगाए हैं फिर से आम आदमी पार्टी पर और कहा है कि जो आरोप उन्होंने अब तक लगाए हैं उनकी जांच हो, अगर जांच में ये आरोप झूठे साबित होते हैं तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नितिन जुड़ गए हैं लाइव। नितिन, एक और लेटर बम फोड़ा है सुकेश ने अरविंद केजरीवाल पर और इस बार तो चुनौती भी दी है कि आरोप अगर झूठे निकलते हैं तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। देखिए पूजा, बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग के ठगी केस के मामले में सुकेश चंद्रशेखर जो हैं अभी तक जो है जेल के अंदर हैं। जिस तरीके से उन्होंने आज अरविंद के एलजी को जो है चौथा लेटर बम जो अपना भेज चुके हैं, लेटर कहते हुए कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को आरोप लगाया कि जिस उन्होंने जो 10 करोड़ रुपये की जो बात कही थी कि 10 करोड़ रुपये का जो है टिकट देंगे, तो साथ ही उन्होंने राज्यसभा को देखते हुए कहा कि राज्यसभा और 50 करोड़ रुपये की जो बात यहाँ पर कही थी कि आखिरकार इसमें जो है मेरी सुरक्षा को भी लेकर उन्होंने पूरे यहाँ पर इंतजाम नहीं रखे गए, मेरे को जेल के अंदर पूरी तरीके से अभी यहाँ पर डर है कि क्योंकि मेरी हत्या ना करा दी जाए। उसी को देखते हुए सुकेश ने जो है चौथा लेटर एलजी को यहाँ पर भेजा है। सुकेश ने कहा है कि एलजी ने साफ साफ लिखा है कि जिस तरीके से मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, यदि मेरे पे आरोप झूठे हैं तो मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो मेरे पे आरोप झूठे नहीं है तो केजरीवाल क्या अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और वहाँ पर तमाम राजनीति से संन्यास ले ली जाएगी। तो उसी को देखते हुए आज उन्होंने ये जो लेटर है वो लिखा है। जी नितिन, सुकेश बार बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो एलजी की तरफ से इन जो लेटर्स सुकेश ने एलजी को लिखे हैं उन पर क्या कुछ संज्ञान लिया है, क्या जांच बिठाई जा रही है क्योंकि आरोप बड़े लगाए जा रहे हैं? जी देखिए बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से 33 दिन से वो जेल के अंदर बंद है, अब तक उन्होंने चौथा लेटर जो है एलजी को लिखा है, पहले 3 लेटर उससे पहले भी दे चुके हैं, तो आज जो चौथा लेटर उन्होंने एलजी को लिखा है तो उसमें साफ साफ यही कहा गया है कि जिस तरीके से मुझ पर झूठे आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से अलग झूठे आरोप हैं, और साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि अरविंद केजरीवाल जो मेरे पे झूठे आरोप लगा रहे हैं तो या मेरे पे आरोप वो सत्य होते हैं तो क्या मैं अपनी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यदि मेरे पे आरोप झूठे होते हैं तो अरविंद केजरीवाल क्या इस्तीफा देंगे अपने मुख्यमंत्री पद से और राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो उसको देखते हुए उन्होंने एलजी को पत्र लिखा था, पत्र में उन्होंने साफ साफ यही कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से इसमें कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने जेल में अपनी सुरक्षा मांगी थी तो सुरक्षा में उन्होंने कहा है कि मेरे को सुरक्षा नहीं दी गई, और राज्यसभा को जो उन्होंने टिकट की बात यहाँ पर कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि जिसमें जो है 50 करोड़ रुपये मांगे राज्यसभा भेजने के लिए, तो उस पर जो पूरी एलजी जो है अभी पूरी तरीके से इसको लेटर की जो जाँच है वो कराई जा रही है, और लेटर को देखते हुए उन्होंने साफ साफ जो है अरविंद केजरीवाल को जो है साफ इसी चुनौती दी है कि आखिरकार जिस पर मेरे पे
करे। ये आरोप जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए जा रहे हैं, सारे आरोप जो है झूठे हैं। यदि मेरे पे सत्य साबित होते हैं आरोप तो मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। यदि अरविंद केजरीवाल ये झूठे आरोप लगाते हैं तो अपनी राजनीति से जो है संन्यास ले लेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अब इसमें एलजी पूरी तरीके से जो है जाँच करने में लगे हैं, क्योंकि लेटर जो है चार लेटर वहाँ पर पहुंच चुके हैं और चारों लेटरों में उन्होंने साफ यही कहा है कि अरविंद केजरीवाल पे उन्होंने निशाना साधा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल। नितिन, दिल्ली में जल्द ही एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सुकेश का आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाना और बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और बैठा बिठाया मुद्दा बीजेपी को मिल गया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो कितना नुकसान यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में हो सकता है? देखिए बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव है, 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है कहीं इस पे जो मुद्दा ये उठ रहा है तो पूरा मुद्दा जो दोनों पार्टियों के लिए गर्म है। लेकिन उसमें अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी को इसमें कितना नुकसान हो सकता है या कितना फायदा भी हो सकता है। तो वहीं उसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि जो ये आरोप हैं ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगवा रही है और साथ ही उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर चुनाव है एमसीडी, तो उस चुनावों को देखते उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने में लगे, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने में लगे हुए सुकेश, तो उसी को देखते हुए इन्होंने साफ साफ यही कहा कि पूरी तरीके से इसमें जांच कराई जाएगी और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। नितिन, अगर इन लेटर्स की बात देखें तो एलजी की तरफ से मामले पर कितना संज्ञान अभी तक लिया गया है, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं सुकेश, एक के बाद एक लेटर जारी कर रहे हैं, हो सकता है आगे भी वो फिर से लेटर दे दे अगर जांच नहीं बिठाई गई, तो एलजी की तरफ से मामले पर कितना संज्ञान लिया गया है? देखिए एलजी की तरफ से पूरी तरीके से जो 33 दिन से वो जेल के बंदा उन्होंने अब तक जो है 4 लेटर भेज दिए हैं, लेकिन एलजी पूरी तरीके से जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि एलजी पूरी तरीके से थोड़ा जांच करेंगे और इसको सत्य जो आएगा सामने आएंगे और साथ ही वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके खिलाफ और भी देने के लिए तैयार है। सुकेश का कहना है कि जिस तरीके से मेरे पे कॉल फोन पे भी बात की गई थी जेल में, तो अरविंद केजरीवाल फोन पे बात कर रहे थे लेकिन मैं उस पर पूरी तरीके से वो डिटेल देने के लिए तैयार, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुझ पर जो है झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और चाहे जो सुकेश जेल के अंदर बंद है तो सुकेश की तरफ से भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप लगा रही है और मेरे पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस तरीकों को उन्होंने देखते हुए कहा। एलजी पूरे मामले की अभी जांच कर रहे हैं और जांच आरोप लगा रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी इन सभी आरोपों को सीधे से खारिज कर रही है। उनका कहना है कि सुकेश की बातों में कोई दम नहीं है, ये आरोप जो है सब झूठे हैं, तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपने आप को इन आरोपों से बचाएगी? देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से अभी आज एलजी की तरफ जो है 4th लेटर और सुकेश ने जारी किया है, तो उनका कहना है कि बीजेपी पार्टी जो है मेरे पे झूठे आरोप लगवा रही है सुकेश के द्वारा, तो लेकिन मेरे जो ऐसी मेरी कोई बातें भी नहीं हुई है, तो मेरी कॉल डिटेल्स को देख लें। और साथ ही उन्होंने जो लेटर लिखा है तो एलजी को लिखा है, एलजी से उन्होंने यही कहा है कि मेरी जान को भी खतरा है, जेल में मेरी जान को खतरा है, जेल के लिए सुरक्षा की भी मांग की थी कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, तो उसमें वो पूरी तरीके से इसमें कहीं ना कहीं जिस पे पहले 10 करोड़ की बात हुई थी, तो उसके बाद 50 करोड़ रुपये की बात हुई थी, तो राज्यसभा के लिए भेजने के लिए पैसे जो मांगे गए थे उस पर पूरे मामलों की जांच कराई जा रही है और उसमें जांच जो पाया जाएगा जो दोषी होगा उसके खिलाफ जो सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, यदि मैं झूठा सा आरोपी मैं लगा रहा हूं तो या मैं फिर फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार, सुकेश की तरफ से ये कहना। लेकिन उन्होंने साफ यही कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठे आरोपों पर जो मेरे को लगाए जा रहे हैं और झूठा आरोप लगा रहे हैं तो उस पर मैं अरविंद केजरीवाल क्या फांसी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तो उसका यही कहना है कि एलजी अभी पूरे मामले में जांच पड़ताल में। नितिन, सुकेश ने इससे पहले जो पहली चिट्ठी एलजी को लिखी थी उसमें आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया था कि जेल में सुरक्षा देने के एवज में 10 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया था सुकेश ने आम आदमी पार्टी पर, जिसको केजरीवाल ने भी सिरे से खारिज कर दिया था, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात कही थी, 10 करोड़ रुपए की जो बात यहाँ पर आ रही थी देखने को, तो उसमें यही कहा कि मेरे की सुरक्षा जो है मेरी बढ़ाई जाएगी, लेकिन मेरी सुरक्षा उसमें जेल के अंदर नहीं बढ़ाई गई थी। लेकिन आज जो 4th लेटर उन्होंने दिया था, 4th लेटर में साफ ये लिखा कि राज्यसभा भेजने के लिए मेरे से 50 करोड़ रुपये की मांग यहाँ पर की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि आपको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, लेकिन उनका कहना है कि मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई सुकेश से, लेकिन वो पूरे मामले में एलजी से इस बात की जो है 4th से 4th चिट्ठी में साफ ये लिखा कि 50 करोड़ रुपये आज राज्यसभा भेजने की जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने पहली चिट्ठी में 10 करोड़ रुपए की बात यहां पर कह रहे थे कि 10 करोड़ रुपए और आपकी जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जाएगी जेल के अंदर, लेकिन जेल के अंदर अभी उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है, तो उस पर वो साफ साफ उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल का कि ये भारतीय जनता पार्टी मुझ पर झूठा आरोप लगवाने में लगी है और भारतीय जनता पार्टी जो अपनी हार को जो सामना करना पड़ रहा था उसी को कहीं आम आदमी पार्टी को केजरीवाल कहीं ना कहीं सुकेश के इन आरोपों का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना चाह रही है। लेकिन हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो क्या सुकेश के इन आरोपों पर अब तक उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है?
जी देखिए बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया, उनका यही कहना है कि जिस तरीके से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोप हैं और ये इन आरोपों में कुछ नहीं है। इस वक्त मेरी जो जांच है इसमें कराई जाए, कॉल डिटेल उन्होंने बताई, कॉल डिटेल मेरा देखे जाए, सभी डॉक्यूमेंट्स उनके देखे जाए कि आखिरकार मैंने जब तक इनसे जेल के बंद 33 दिन से जेल के अंदर बंद है तो उसमें मैंने इनसे कोई बात नहीं कही गई। लेकिन सुकेश की तरफ से कहा जा रहा है कि मेरे से इन्होंने 10 करोड़ रुपये मांगे थे और 10 करोड़ सुरक्षा बढ़ाने की बात भी यहाँ कही गई थी, लेकिन 50 करोड़ रुपये फिर दोबारा उन्होंने मांगे कि राज्यसभा उनको भेजने की जो बात यहाँ कही जा रही है कि 50 करोड़ रुपये यहाँ पर राज्यसभा भेजने की बात में भी उन्होंने आज एलजी को साफ साफ चिट्ठी लिखी। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये झूठे आरोप है मेरे पे, ऐसा कोई हमने ऐसा कोई फोन में बात नहीं की, ऐसा कोई सुकेश से कोई बात आरोप बड़ा लगाया है सुकेश ने एक बार फिर से, और इस बार तो सीधे जांच की बात कही है कि अगर जांच में आरोप झूठे साबित हुए तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा और सही साबित होते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन अपडेट्स के लिए आपका। तो सुकेश चंद्र ने बड़ा आरोप फिर से अरविंद केजरीवाल पर लगाया है, उन्होंने इस बार जो दिल्ली के एलजी हैं वीके सक्सेना उनको फिर से लेटर लिखा है और ये उनका चौथा लेटर है। 33 दिन से सुकेश जेल में बंद है और लगातार 3 लेटर पहले ही एलजी को लिख चुके हैं, आज फिर से उन्होंने चौथा लेटर एलजी को लिखा और जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने जो आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में अगर वो सारे आरोप झूठे साबित होते हैं तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी चुनौती दी कि ये जो आरोप है सही साबित होते हैं तो वो क्या अपने पद से इस्तीफा देंगे या राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में आग लग गई जिसको लेकर घर की मालकिन ने सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई पर रिजवान सोलंकी पर उनका घर जलाने का आरोप लगाया है। तो कानपुर से एक खबर है जहां पर सपा विधायक की दबंगई देखने को मिली है। जी हां, सपा विधायक के भाई की दबंगई देखने को मिली है। इरफान सोलंकी के भाई पर बड़ा आरोप लगा है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि जो इरफान सोलंकी के भाई हैं रजवान सोलंकी, उन्होंने उनके घर में आग लगा दी है। संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर में आग लग गई जिसका आरोप उन्होंने इरफान सोलंकी के भाई रजवान सोलंकी पर लगाया है और सपा विधायक है इरफान सोलंकी घर फूंकने का आरोप लगाया है महिला ने। ये तस्वीरें वहां की आपको दिखा रहे हैं, कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाती है जिसके बाद जो घर की मालकिन है उन्होंने जो इस आग का आरोप लगाया है वो जो सपा विधायक है इरफान सोलंकी उनके भाई पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जानबूझकर उनके घर में आग लगाई है। इरफान सोलंकी ने कोल्ड ड्रिंक में जहर दिया, किसने दे दिया? रिजवान सोलंकी ने, और मेरे कब्जा कर रहे थे आधी जमीन, डैडी मम्मी मेरे बोले मेरे डैडी मम्मी बोले तो मेरे डैडी को ढकेल दिया, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, कुछ दिन बाद मेरे डैडी खत्म हो गए। ठीक है, अभी उसके बाद क्या किया मेरे एक भाई को स्मैक में ये लोग लगातार पैसों के जरिए बंद करवा रहे थे, स्मैकिंग नशेड़ी बना दिया उनको, उसमें बैठाल के जेल में। वो आखिरकार पागल हो गए, नशेड़ी हो गई। आज घटना हो गई, हम लोग शादी में गए थे, ये देखिए घर में आग लगी। कई बार ये कर चुके हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, भाइयों को बंद करवाते हैं, भाइयों को जेल में बंद करवाएंगे। इन लोग कोल्ड ड्रिंक में जहर दिया, तो कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाती है जिसके बाद जो घर की मालकिन है वो इसका आरोप जो सपा विधायक है इरफान सोलंकी उनके भाई पर लगाती है कि उन्होंने जानबूझकर पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए उनके घर पर आग लगाई है और इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुके हैं, उनके घर में आग लगा चुके हैं। तो कानपुर से एक खबर है जहां पर जाजमऊ थाना क्षेत्र में एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाती है जिसके बाद जो घर के मालिक हैं उनको सूचना मिलती है, मौके पर पहुंचते हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास करते हैं। वहीं जब आग लगने की बात उनसे पूछी जाती है तो उन्होंने इसका जो आरोप है वो सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी पर लगाया है कि उन्होंने जानबूझकर उनके घर में आग लगाई है, इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद असलम जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, क्या जानकारी मिल रही है, बड़ा आरोप महिला ने लगाया है इरफान सोलंकी के भाई पर रिजवान सोलंकी पर कि उनका घर जला दिया गया है? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पूरा मामला है वो कल देर रात का है और जो एक महिला है उसने साफ तौर पर जो सपा विधायक इरफान सोलंकी है उनके जो भाई है रिजवान सोलंकी उन पर अपने घर को जलाने का आरोप लगाया है। हालांकि इस पूरे मामले में मौके पर तत्काल जो दमकल की जो गाड़ियां हैं वो पहुंची थी और आग पर काबू पाया था लेकिन काफी नुकसान हो गया था। हालांकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो
विधायक के भाई विधायक हैं इरफान सोलंकी, उनका एक बयान आया है कि अगर इस पूरे मामले में किसी भी तरह से मेरे भाई का हाथ होता है इरफान सोलंकी का, तो जो दूसरों से सजा दी जाती है वो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये आग लगाने का क्या कारण था या किसने आग लगाई है। आपको बता दें कि ये पूरा जो मामला है वो काफी पुराना है। मकान को लेकर इन दोनों में विवाद चल रहा था, जो इरफान सोलंकी का रिजवान भाई है और जो महिला है उन दोनों में विवाद चल रहा था, और काफी इससे पहले भी कई ऐसी चीजें आ चुकी हैं, लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। असलम, जो पीड़ित महिला है उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इससे पहले भी रिजवान सोलंकी इससे पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं। जी बिल्कुल, अभी बीते एक माह पहले की ही बात है कि यहाँ वहाँ पर जो है रिजवान सोलंकी और इस महिला के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई थी और मारपीट भी हुई थी घर के आसपास ही, और उसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुंची थी और समझा बुझा कर शांत कराया था, और आरोपियों के खिलाफ जो रिजवान के साथी हैं उनमें उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए थे। हालांकि मुकदमे दर्ज हुए थे लेकिन उसके बाद फिर सारी चीजें खत्म हो गई थी, लेकिन कल फिर ये जो पूरा मामला आया है तो कहीं ना कहीं महिला जो है वो साफ तौर पर आरोप लगा रही है विधायक के भाई के ऊपर, और आरोप इसी आधार पर लगा रही है कि इसको जमीन का कब्जा करने के लिए उसको परेशान किया जा रहा है, और वो चाहता है कि परेशान करने के बाद ये लोग भाग जाएंगे और इस जमीन को कब्जा कर लिया जाएगा। असलम, पीड़ित जो महिला है उन्होंने थाने में भी इसकी शिकायत की है, पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ संज्ञान लिया है अब तक? जी, कल ही ये पूरा मामला जो रात में महिला ने तहरीर दी थी जाजमऊ थाने में, उसके बाद वहाँ मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचा था, और पुलिस की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले पर अभी जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद अगर कोई भी दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी असलम, एक चीज जानना चाहूंगी, जो सपा विधायक है इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी उनके भाई है, उन पर इससे पहले भी ऐसे कुछ आरोप लगे हैं क्या? उनकी दबंगई इस मामले में पहले भी कभी देखने को मिली है क्या? जी बिल्कुल, साफ तौर पर अगर इरफान सोलंकी की बात करें या फिर उनके भाई की बात करें तो अक्सर विवादों में रहते हैं, और चूंकि इरफान सोलंकी विधायक हैं और काफी चर्चा में रहते हैं तो उनके कहीं ना कहीं उनके जो भाई हैं रिजवान भी, वो भी जमीनों पर कब्जा करने को लेकर जो है वो चर्चा में रहते हैं, और इससे पहले उनके ऊपर जो उन्नाव, यहाँ कानपुर का आउटर उन्नाव लगता है, वहाँ पर उनके ऊपर भूमाफिया का भी मामला दर्ज है, तो ऐसे में कई मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक सफेद पोश का हाथ है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुलिस कार्रवाई करती है उसमें कोताही बरतती है और साफ तौर पर ये सब बाहर हो जाते हैं। जी असलम, आपसी रंजिश का ये मामला लग रहा है, अब देखना होगा कि पुलिस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है आगे। बहुत बहुत शुक्रिया असलम हमारे साथ जुड़ने के लिए अपडेट्स के लिए। ईडी ने जालौन और बुंदेलखंड की संपत्तियों को लेकर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से सोमवार को फिर से पूछताछ की, लेकिन अब्बास की तरफ से कोई भी ठोस जवाब नहीं दिया गया। ईडी को आशंका है कि दोनों बेनाम संपत्तियां अब्बास की है। प्रयागराज से अब्बास अंसारी से फिर से ईडी ने पूछताछ की है। बता दें कि ईडी ने फिर से जब कोर्ट में पेशी हुई थी पिछली बार अब्बास अंसारी की, तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी, लेकिन 9 दिन की न्यायिक हिरासत ईडी को दी गई थी, जिसको लेकर ईडी ने फिर से अब्बास अंसारी से पूछताछ की है। इस जहां पर जो अब्बास अंसारी है वो जांच में कुछ ज्यादा सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी की तरफ से ऐसा बयान सामने आया है, जालौन बुंदेलखंड की संपत्तियों को लेकर सवाल किए थे ईडी ने अब्बास अंसारी से, लेकिन अब्बास ने ईडी को कोई भी ठोस जवाब नहीं दिए हैं। ईडी को आशंका है कि अब्बास, ये जो संपत्ति है जिनके बारे में अब्बास अंसारी से पूछताछ की जा रही है, ये संपत्ति अब्बास अंसारी की ही है। ईडी को ऐसा आशंका है, और इसी मामले में ईडी अब्बास अंसारी से फिर से पूछताछ कर रही है, लेकिन अब्बास अंसारी की तरफ से ईडी को जांच में ठीक तरह से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, या कह सकते हैं कि अब्बास अंसारी जांच में पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसी को अब्बास अंसारी से फिर से ईडी ने पूछताछ की थी। ईडी ने जालौन बुंदेलखंड की संपत्तियों को लेकर अब्बास अंसारी से सवाल किए थे, लेकिन अब्बास अंसारी की तरफ से कोई भी ठोस जवाब ईडी को नहीं दिए गए हैं। अब्बास अंसारी के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं हुई है। ईडी को आशंका है कि अब्बास, ये जो संपत्तियां हैं, अब जालौन बुंदेलखंड की जो संपत्तियां हैं जिनके बारे में अब्बास अंसारी से सवाल किया गया, वो संपत्तियां अब्बास अंसारी की ही हैं। फिलहाल इस बारे पर जांच चल रही है, ईडी आगे जांच पड़ताल करेगी पूरे मामले की।
तो अब्बास अंसारी फिलहाल ईडी की न्यायिक हिरासत में है, जहां पर ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। जालौन बुंदेलखंड की संपत्तियों को लेकर फिर से ईडी ने उनसे एक बार फिर पूछताछ की थी, लेकिन अब्बास अंसारी की तरफ से कोई भी ठोस जवाब ईडी को नहीं दिया गया है। जो ईडी के अधिकारी हैं उनको कोई भी ठोस जवाब नहीं दिया। अधिकारी अब्बास अंसारी के जवाबों से संतुष्ट नहीं नजर आए। वहीं ईडी को आशंका है कि जिन संपत्तियों के बारे में अब्बास अंसारी से पूछताछ की जा रही थी वो संपत्तियां अब्बास अंसारी की ही है, जिसको लेकर ईडी लगातार अब्बास अंसारी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी, और मुख्तार अंसारी फिलहाल जेल में बंद है। AK-47 मामले में वो जेल में बंद हैं, जिसके बाद अब्बास अंसारी पर भी ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है, उनको भी न्यायिक हिरासत में लिया गया है। अब्बास अंसारी फिलहाल ईडी की न्यायिक हिरासत में है और लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए शोएब रिजवी जुड़ गए हैं हमारे साथ। शोएब, ईडी को सहयोग नहीं कर रहे हैं अब्बास अंसारी संपत्ति को लेकर, जो संपत्ति थी ईडी को आशंका है कि ये संपत्तियां अब्बास की हैं उसको लेकर पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अब्बास की तरफ से कोई भी ठोस जानकारी ईडी को नहीं दी गई। बिल्कुल, ईडी चूंकि ईडी ने बाकायदा उनकी रिमांड ली है कोर्ट के जरिए, एक हफ्ते की रिमांड है, और इस बीच में लगातार अब्बास अंसारी से पूछताछ की जा रही है। इस दौरान न सिर्फ पूछताछ उनसे की जा रही बल्कि उस दायरे को भी बढ़ाया जा रहा है, जिसके जरिए कि उनके जो जवाब है उसको क्रॉस चेक किया जाए। और इसी कड़ी में कह सकते हैं कि जो मुख्तार अंसारी के साले हैं आतिफ, उनको भी कल रात में ही ईडी ने हिरासत में लिया था और आज बाकायदा कोर्ट के सामने उनको पेश किया है। तो लगातार ईडी कोशिश कर रही है अब्बास अंसारी से सच उगलवाने की, और जो कुछ वो बता रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है उसकी जांच के लिए वो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि उसके सच को निकलवाया जाए। हालांकि अब्बास की तरफ से बहुत कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, इस तरह के हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ईडी ने जो अपना होमवर्क कर रखा है उसके जरिए से वो लगातार कोशिश कर रही है कि अब्बास से ज्यादा सच निकाला जाए, और इसीलिए ईडी ने अपना दायरा भी बढ़ाया है। पिछले कुछ दिनों में ईडी लगातार कोशिश कर रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जाए, और उसी कड़ी में कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी के जो मामा हैं यानी मुख्तार अंसारी के साले, उनको भी हिरासत में ले लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया, और उम्मीद की जा रही है उनको भी रिमांड पे लिया जाएगा, और उसके बाद हो सकता है कि दोनों जो चीजें बता रहे हैं उसका आमना सामना करवाया जाए, यानी मामा और भांजे को आमने सामने बिठा करके ईडी उन तमाम ट्रांजेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेगी। ऐसा बताया जा रहा है ईडी की तरफ से जो शक है कि जो इन लोगों की कंपनीज हैं उनके जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो एक दूसरे के साथ हुए हैं, तो उस ट्रांजेक्शन में क्या कुछ है उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह से अब्बास अंसारी की पूछताछ के साथ साथ ईडी उनके परिवार के लोगों को भी अब रडार पर ले रखा है, और इसी वजह से मुख्तार अंसारी के जो साले हैं, हालांकि कल ही उनको जमानत मिली थी गाजीपुर में, और जैसे ही वो जेल से बाहर निकले ईडी की टीम उनका इंतजार कर रही थी और ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया था, और आज बाकायदा प्रयागराज में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, और ये उम्मीद की जा रही है कि ईडी उन्हें भी रिमांड में लेने की कोर्ट से मांग करेगी, और हो सकता है कि उन्हें रिमांड मिले भी। और ऐसे में जब अब्बास अंसारी और उनके मामा यानी आतिफ जो मुख्तार अंसारी के साले उनका आमना सामना कराया जाएगा, तो जो कुछ संपत्तियों के बारे में इनकी तरफ से बताया जा रहा है उसको क्रॉस चेक करने की कोशिश की जाएगी। हमारे पास जो जानकारी है कि आने वाले दिनों में मुख्तार अंसारी के परिवार के और लोगों को ईडी बुला सकती है, खासतौर से उनकी पत्नी यानी अब्बास अंसारी की जो माँ है उनसे भी पूछताछ कर सकती है। तो लगातार ईडी की ये कोशिश है, क्योंकि 7 दिनों की इनको रिमांड मिली हुई है, इन 7 दिनों में वो ज्यादा से ज्यादा सच उगलवाने की कोशिश करेगी, क्योंकि 7 दिनों के बाद जब वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ईडी के पास भी कोर्ट को बताने के लिए कुछ होगा, क्योंकि 14 दिन की उन्होंने रिमांड मांगी थी, हालांकि 7 दिन की ही रिमांड मिली है। अब ऐसे में उनके जो मामा है उनको भी ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया और कोर्ट में पेश किया है, तो लगातार दायरा जरूर बढ़ रहा है। हालांकि जो अब्बास अंसारी या ये लोग जो हैं इन पर इस तरह का आरोप है कि बहुत कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बहुत जो ईडी है उन्होंने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी लेकिन एक हफ्ते की ही न्यायिक हिरासत मिली है, तो ऐसे में ईडी को जल्द से जल्द पूछताछ के बाद जानकारी भी जुटानी है। तो जो परिवार के और कौन कौन से सदस्य हैं जिनसे पूछताछ की जा सकती है ईडी की तरफ से? बिल्कुल, जैसा कि पिछले दिनों में ईडी की तरफ से न सिर्फ मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी, उनकी पत्नी, उनके बेटे जो एक बाहर है, छोटा बेटा जो अब्बास से भी छोटा है, उससे पूछताछ की है, उनके कुछ 2 सालों से जेल में जाकर पूछताछ की थी, उन्हीं 2 सालों में से 1 साल कल ही जेल से बाहर आए तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया है।
लगभग परिवार के अंसारी फैमिली के ज्यादातर मेंबर से ईडी पूछताछ कर चुकी है, लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। तो ऐसे में अब लगातार जब अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, ईडी की कस्टडी में है, तो अब हो सकता है कि दायरा और बढ़ाए और इन लोगों का आमना सामना भी हो सकता है, करवा सकती है। हालांकि ईडी अपनी जो पूरी जी शोएब, अब देखना होगा कि ईडी अब्बास अंसारी से पूछताछ में क्या कुछ नया खुलासा कर पाती है, ये तो आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।